हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं बना रही हूँ दूध की कुछ नई रेसिपी जो मैं आपके सामने पेश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया है और उसी में मैं डालूँगी 3-4 बड़ी चम्मच शुगर। और फ्रेंड्स, हमें उसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। हमें ये 3 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर है, तो मैं उसको इसमें थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी ताकि इसमें गट्ठे ना हो। और उसको हिलाते ही रहना है। देखो फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लोर डालते समय तुरंत ही इसको हिलाना है ताकि इसमें जो गट्ठे पड़ते हैं वो ना पड़े, अच्छे से मिक्स हो जाए। ये फ्रेंड्स बिना घी और मावा की रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है और आइसक्रीम की तरह ही लगती है। अब मैं इसको गैस पे चढ़ाऊंगी। देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाला है, तो जल्दी से ये दूध है वो तुरंत ही गाढ़ा हो जाएगा। इसको मिलाते ही रहना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो नीचे चिपके ना। देखो फ्रेंड्स, ये चिपकने से अच्छा नहीं बनेगा स्नोबॉल, इसलिए हमें इसको मिलाते ही रहना है। इसको हिलाते ही रहना है धीरे 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 करके, और हमें मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है। ये 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। देखो फ्रेंड्स, अब अभी भी इसको पकने देना है ताकि इसका गाढ़ापन आ जाए। इसको बार बार से हिलाते ही रहना है ताकि जो हमें कॉर्नफ्लोर डाला है वो चिपके ना नीचे। देखो, अब मेरा थोड़ा बहुत गाढ़ा हो गया है, अभी भी उसको हिलाते ही रहना है। और मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है, मैंने वो क्रश कर लिया था, मैं इसमें डाल दूंगी। अभी भी हमको इसको हिलाते ही रहना है ताकि इसका फ्लेवर है वो मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी घी और मावा नहीं है, ये स्पेशल दूध की बनी हुई आइटम है। देखो, अभी मेरा थोड़ा बहुत गाढ़ा हो गया है, अब मैं उसमें बटर डालूंगी, ये बाजार का लिया हुआ है। और इसको फिर से पकने देना है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और जो बटर का वो जो खारापन होता है वो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा इस रेसिपी बनाते और खाते टाइम। देखो फ्रेंड्स, अब ये मेरा बनके रेडी है। देखो, हमें इसको ऐसे कोटिंग करनी है स्पून में। देखो, आ रही है ना, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही है। ऐसे ही हमें गाढ़ा रखना है इसको,
और मैं उसको अलग से तीन बाउल में निकाल दूंगी। अब मेरा ये बनके रेडी है। देखो फ्रेंड्स, हमें इसको घी से पूरा कवर करना है ताकि जो मैंने रेसिपी बनाई है वो इसमें चिपके नहीं, इसलिए अपने हाथों से इसको चारों तरफ फैलाना है। देखो आप, मेरा ये हो गया है और मैंने जो रेसिपी बनाई है वो मैं इसमें डालूंगी। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसमें इसको निकाल दिया है। अब इसको गरम गरम ही निकाल दिया है और इसको ऐसे थपथपा के हमें इसको 3-4 घंटे तक फ्रिज में रखना है, रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है। देखो फ्रेंड्स, अब मैं ये मेरा स्नोबॉल्स है वो बनके रेडी है। मैंने 4 घंटा उसको फ्रिज में रखा था रेफ्रिजरेटर में। अब मैं उसको धीरे धीरे से ऐसे पूरा निकाल दूंगी। ये बहुत ही नरम होता है तो उसको आस्ते से ही करना होता है। देखो फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ से उसको कोने कोने में से निकाल लिया है। अब मैं बीच में लेकर उसको ऐसे दबाऊंगी। देखो फ्रेंड्स, बहुत ही यमी और टेस्टी है ये। अब मैं उसको गार्निश करूंगी पिस्ता से और बादाम से। बहुत ही ये डिश यमी और टेस्टी है। देखो फ्रेंड्स, अब मैंने ये निकाल दिया है और गार्निश भी कर लिया है काजू और बादाम से और पिस्ता से। अब देखो, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही टेस्टी और यमी है ये। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आप भी ये रेसिपी बनाना जरूर कीजिए। Thank you.